अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज सैटरडे है, तो हमारा प्लान है दही बल्ले खाने का। यहाँ पे शाम के इस टाइम 5:30 बजे हुए हैं, तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं आज उनकी छुट्टी रहती है मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे सैटरडे है। इस वजह से हमने प्लान किया कि हम दही बल्ले खाएंगे। तो घर से हम निकल चुके हैं, रेस्टोरेंट का नाम है पाकिस्तान स्वीट्स, ये दोहा के अंदर है। तो इस टाइम हमें और एक दोस्त को पिक करना है जिसका नाम उसामा है, तो वो दोहा जदीद में रहते हैं। अब हमने उसको पिक कर लिया है, तो यहाँ से हार्डली 3-4 किलोमीटर होंगे पाकिस्तान स्वीट्स, जहाँ पे हम जा रहे हैं ये स्वीट्स खाने के लिए। वैसे दही बल्ले वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, और लेकिन हमारा जो प्लान है वो आज है दही बल्ले खाने का। तो फाइनली हम इंटर कर दिए हैं दुकान की तरफ, तो ये आप देख सकते हो जिसका नाम है पाकिस्तान स्वीट्स, एकदम कॉर्नर पे है। फाइनली हमने एंट्री की है पाकिस्तान स्वीट्स के अंदर, और काफ़ी सफाई रखते हैं ये लोग, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। तो पानी पूरी, स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो फाइनली हमने जो ऑर्डर किया था वो हमने दही बल्ले किए हैं। हर एक की चॉइस यही है कि दही बल्ले खाए या पानी पूरी, लेकिन मेजॉरिटी आई है दही बल्लों की। सो फाइनली हमारे दही बल्ले आ गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये दही बल्ले जो अपने भाई है वो सर्व कर रहे हैं सबको। तो सबसे पहले जिनको भूख लगी है वो एहसन है, तो उसने बिना इंतज़ार किए हुए पहला बाइट लिया है और उसको सुकून आ गया दही बल्ले खाते हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम लोगों ने भी शुरू किया है, लेकिन जो एहसन की स्पीड है वो एकदम 160 किलोमीटर पर आर है, तो मैंने अभी तक ख़त्म भी नहीं किए हैं। फाइनली वहाँ से निकले हम घर की तरफ। तो ये आज का व्लॉग था। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।